सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8 गणित और प्रश्नावली है 9.4। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 9.3 के सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, अगर आपको देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 9.4 है उसका प्रश्न नंबर 1 इस वीडियो में हम सरल करेंगे। इसके अंदर हमें द्विपदों को गुणा करना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में देखिए हमें 6 प्रश्न इसमें अलग अलग तरीके के हमें दिए गए हैं, जिसमें हमें द्विपद दिए गए हैं और सभी को हमें गुणा ही करना है। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, पहले प्रश्न में हम गुणा करेंगे, तो प्रश्न नंबर इसका 1, इसमें हमें दिया गया है ब्रैकेट में 2x प्लस में 5 और गुणा करना है हमें 4x माइनस 3 से। इन दोनों जो द्विपद है हमें इसमें दो पद है और इसके अंदर भी दो पद है, तो दोनों को हम गुणा करेंगे। अब एक काम करिए, गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2x जो है इसको इस ब्रैकेट के साथ में एक बार गुणा कर देंगे, एक बार प्लस 5 को इस ब्रैकेट के साथ में गुणा कर देंगे। जो एक जैसे होंगे उनको प्लस करेंगे, जो एक जैसे होंगे और अलग अलग चिन्ह के साथ में होंगे उनको माइनस कर देंगे, यानी कि वो कट जाएंगे और बाकी जो रहेगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, 2x को इस ब्रैकेट के साथ में गुणा करता हूं, तो हम लिखेंगे कि 2x लिखा और गुणा कर दिया इस ब्रैकेट के साथ में 4x माइनस 3 के साथ में, और दूसरा कौन सा रह गया, प्लस 5 रह गया, तो यहां पर लिख देते हैं प्लस 5। इसको भी हम इस ब्रैकेट के, यानी कि एक बार 2x को इस ब्रैकेट के साथ में गुणा करेंगे, एक बार प्लस 5 को इस ब्रैकेट के साथ में गुणा करेंगे, तो प्लस 5 को इस ब्रैकेट के साथ में गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4x माइनस 3, गुणा कर लीजिए। देखिए यहां पर हम गुणा करेंगे तो 4 को 2 से गुणा कर दीजिए 8, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, 3 को 2 से गुणा कर दीजिए 6 और x है, यहां पर x है नहीं, सिंगल x है, तो x को x से लिख दीजिए, फिर यहां पर आ गया प्लस, 5 को 4 से गुणा कर दीजिए 20 आ गया, x है वो सिंगल है तो x लगा दिया, फिर माइनस का चिन्ह या गया। देखिए यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 5 को 3 से गुणा कर दिया 15। अब आगे सरल कर लेते हैं इसको, तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का एक पद है, यानी कि 8x स्क्वायर, तो इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, फिर यहां पर है प्लस में 20x, यानी x का जो पद है वो अलग अलग है, 20x भी है और 6x भी है, तो 20x है वो प्लस में है, 6x है माइनस में है, तो माइनस वाले को हम 20 प्लस में से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास में, प्लस में 14x आएंगे और माइनस में 15, ये इसका आंसर होगा। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड जो इसका क्वेश्चन है उसमें हमें गुणा करना है y माइनस 8 को गुणा करना है 3y माइनस 4 से, जैसा हमने प्रश्न नंबर 1 में किया था वैसा ही हम प्रश्न नंबर 2 में करेंगे। y को हम इस ब्रैकेट के साथ में गुणा करेंगे, फिर माइनस 8 को इस ब्रैकेट के साथ में गुणा करेंगे, तो देखिए y को हम गुणा करेंगे 3y माइनस 4 से, फिर माइनस में 8 है इसको भी गुणा करेंगे 3y माइनस 4 से, यानी कि इस ब्रैकेट में दोनों संख्या वो दोनों एक एक बार करके गुणा होनी चाहिए। तो अब मैं गुणा कर देता हूं इनको, देखिए 3 की जगह 3 लिखा, y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर आ गया, माइनस 4 को y से गुणा करेंगे तो 4y आ गया, फिर माइनस में 8 है, 3 को 8 से गुणा करेंगे 24 और y है वो y की जगह y आ गया, फिर माइनस माइनस ये हो गया प्लस और 8 को 4 से गुणा करते हैं तो 800 होते हैं 32। अब देखिए इसमें y के पद है वो 2 है, अब दोनों माइनस में पद है, तो अगर दो संख्या माइनस में होगी तो उनको क्या करेंगे, माइनस में जोड़ेंगे, दो संख्या प्लस में होगी तो उनको प्लस में जोड़ेंगे, दो संख्या अगर प्लस माइनस में होगी तो उनको घटा देंगे, तो यहां पर दोनों संख्या है लेकिन दो पद है और दोनों ही माइनस में, तो दोनों पद को जोड़ देंगे, तो ये 24 और 4 कितने हो गए 28 वाई हो जाएंगे, तो ये आ गया वाई स्क्वायर का एक पद है 3y स्क्वायर, उसके बाद इन पद को हम जोड़ देंगे तो माइनस में 24 और 4 ये हो गए 28 वाई और प्लस में 32, तो ये इसका आंसर होगा। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में दिया गया हमें, पार्ट नंबर इसका 3 है, इसमें हमें दिया गया है देखिए यहां पर 2.5 है, 2.5L और माइनस में 0.5M, इसको हम गुणा करेंगे 2.5L और प्लस में 0.5M। इसका मैं एक शॉर्ट तरीका बता देता हूं आपको, क्यों, क्योंकि यहां पर जो ब्रैकेट में संख्या है, संख्या है यानी जो पद है वो एक जैसे है, फर्क सिर्फ यहां पर माइनस और यहां पर प्लस है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, a माइनस बी और a
प्लस बी। अगर इनको आपको गुणा करना है तो आप इसको ये माइनस के, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये बी और बी सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस में दो, जब ब्रैकेट के अंदर संख्याएं एक जैसी यानी पद एक जैसे हो और उनमें एक माइनस और एक प्लस हो एक जैसे हो, तो हम उनको क्या लिख सकते हैं, हम उनको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि हमने लिख दिया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सिर्फ ये लिख दो और इसके अंदर जो संख्या है उनका स्क्वायर कर दो तो उसका आंसर निकल गया जाएगा। यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसका सॉल्व तरीका है ये, तो यहां पर हम क्या करेंगे 2.5 एल है और यहां पर भी 2.5 एल है, तो हम लिख देंगे 2.5 एल का स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह लगाना, आपको ध्यान रखना है चिन्ह माइनस का लगाना है, क्योंकि यहां पर माइनस और एक पर प्लस नहीं, यानी एक पर प्लस और एक पर माइनस नहीं हो, चिन्ह आपको यहां पर माइनस का लगाना है। उसके बाद यहां पर भी 0.5 एम है और यहां पर भी 0.5 एम है, तो हम लिख देंगे 0.5 एम का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखिए स्क्वायर करना है हमें, यहां पर आप देखिए 2.5 एल स्क्वायर का स्क्वायर करना है, एल का स्क्वायर करना है, तो 2.5 को आप छोड़ दीजिए, आप ये मानिए कि ये 25 है और 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 625 आएगा और एल का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा। उसके बाद में यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है, देखिए 2.5 था, अगर इसको मैं इसी से स्क्वायर का मतलब क्या है, जो संख्या दी गई उसी को उसी से गुणा करना, तो 2.5 को 2.5 से गुणा करना इसी तरह से। अब जब हम इस संख्या को डबल बार लिखेंगे तो इसमें पॉइंट कितने हुए, डबल दो बार हुए, तो इसका मतलब एक और दो, दो संख्या के बाद में हमें पॉइंट लगाना है। यहां पर एक संख्या के बाद में पॉइंट है, लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है तो दो संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है। यहां पर दो संख्या देखिए, ये 5 2 और पॉइंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, सिंपल है। उसके बाद देखिए माइनस, यहां पर 0.5 का स्क्वायर करेंगे, 0.5 को आप छोड़ दीजिए, आप ये मानिए कि यहां पर 5 और 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर होता है 25 और जो 0 है वो इसके आगे लगा दीजिए, तो यहां पर क्या है, हमने 0.5 का स्क्वायर किया। अब यहां पर एक संख्या के बाद में पॉइंट है, लेकिन हम जब स्क्वायर करते हैं तो दो संख्या के बाद में हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, तो एक और दो, दो संख्या होगी, यहां पर आ जाएगा इसका पॉइंट, और एम का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यहां पर ये इसका आंसर आ जाएगा 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक सरल समीकरण है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आपको बुक में मिल जाएगी, जिसको अगर प्लस और माइनस में दी हुई हो तो एक बार हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा लिखा हुआ है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सरल समीकरण लगाई इसके अंदर और यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर एक और दो जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी आप इसको सरल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर चार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चार में, क्वेश्चन नंबर जो चार हमें दिया गया है उसके अंदर ए प्लस में 3b इसको हमें गुणा करना है एक्स प्लस 5 से। गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ब्रेक सेम नहीं है, अलग अलग पद इसके अंदर, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे एक नंबर और दो नंबर में किया था, तो मैं इसको लिख दूं एक बार ए को इस ब्रैकेट के साथ में गुणा कर दीजिए, तो ए गुणा एच प्लस 5, एक बार प्लस 3b जो है प्लस 3b इसको गुणा कर दीजिए इस ब्रैकेट के साथ में तो एच प्लस 5। चलिए आगे इसको सरल कर लेते हैं, एक्स को ए से गुणा करेंगे ax, ए को 5 से गुणा करेंगे तो प्लस में 5a, फिर यहां पर प्लस आ गया, 3b को x से गुणा किया तो 3b और x ये आ गया, और प्लस में 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 और यहां पर b आ जाएगा, b सिंगल है तो b आ जाएगा। अब यहां पर देखिए कोई एक जैसा कटपल है तो उसको हम जोड़ देंगे या घटा देंगे, अगर नहीं है तो उसको ऐसा वैसा लिख रहे, तो देखिए यहां पर ax का और कोई पद नहीं है, a का कोई अकेला पद नहीं है, bx का कोई पद नहीं है और b का कोई अकेला पद नहीं है, तो इसका लास्ट आंसर यही होगा, bx का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका पांच नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो इसका पांच है उसमें हमें दिया गया 2pq प्लस में 3q स्क्वायर, इसको हमें गुणा करना है 3pq माइनस 2q स्क्वायर से, इसको हमें गुणा करना है, तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2pq को इस ब्रैकेट के साथ में गुणा करेंगे तो 2pq को 3pq माइनस 2q स्क्वायर ये लिखेंगे, फिर प्लस में 3q स्क्वायर इसको इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो 3q स्क्वायर और आगे ब्रैकेट लिख देंगे 3pq माइनस 2q स्क्वायर,
चलिए गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इसका गुणनफल क्या है, गुणा करेंगे तो संख्या पहले संख्या से हम गुणा करते हैं, दो को तीन से गुणा किया ये आ गया छह, पी को पी से गुणा करेंगे पी स्क्वायर, क्यू को क्यू से गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, दो को दो से गुणा किया चार, पी का पी यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है तो पी को हम पी लिख देते हैं, क्यू को क्यू स्क्वायर से गुणा किया क्यू की घात थ्री बन गया, उसके बाद में आगे प्लस थ्री को थ्री से गुणा करेंगे तो ये आ गया नौ, और p यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है तो p को मैं p लिख देता हूं, q स्क्वायर को q से गुणा किया तो ये हो गया q की घात 3, उसके बाद ये प्लस ये माइनस गुणा के माइनस हो गया, उसके बाद 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गया, और q स्क्वायर को q स्क्वायर से गुणा करेंगे तो q की घात 4 आ गया, तो ये आ गया q की घात 4। अब चलिए इसमें देखिए x जैसे का कोई पद है तो देख लेते हैं, क्योंकि p स्क्वायर q स्क्वायर का पद है लेकिन आगे कोई p स्क्वायर q स्क्वायर का पद नहीं है, p q 3 है यहां पर भी p q 3 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ये 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको तो हम ऐसा कैसे लिखते हैं क्योंकि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का एक ही पद है, उसके बाद देखिए पी क्यू की घात 3 पी क्यू की घात 3 ऐसा सेम पद है, संख्याएं का फर्क है सिर्फ, तो ये माइनस में है 4 और ये प्लस में 9 है तो माइनस वाले 4 निकाल देंगे तो कितना बच गया पीछे प्लस में 5 पी क्यू 3 यानी कि इसकी घात 3 और माइनस में 6 क्यू की घात 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद में हमने 5 नंबर सॉल्व कर लिया, अब इसका लास्ट देखिए प्रश्न नंबर इसका 6, प्रश्न नंबर 6 में देखिए इसमें हमें दिया गया है 3/4 a स्क्वायर प्लस में 3 b स्क्वायर, इसको गुणा करना है, बाहर इसके 4 लिखा हुआ है तो चलिए यहां पर 4 a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर इसके साथ में इनको गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए जो हमने बाकी सभी प्रश्न में किया था वैसे ही करेंगे, तो 3/4 a स्क्वायर को इस ब्रैकेट से गुणा करते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3/4 a स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे इस ब्रैकेट के साथ में, तो ब्रैकेट के बाहर भी संख्या है तो हम क्या करते हैं पहले संख्या को सरल कर लेते हैं, पहले एक बार इसको सरल कर लेते हैं, तो अगर मैं इसको सरल करके लिखूंगा तो क्या आएगा देखिए 4 को एक बार a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या बन गया, आगे लिख देता हूं इसका मैं यहां पर, या हम ऐसा कर लेते हैं सेम यहां पर लिख देते 3/4 और a स्क्वायर प्लस में 3 b स्क्वायर गुणा में इस 4 को पहले गुणा कर लेते हैं इस ब्रैकेट को बाद में गुणा कर लेते हैं, तो इसके बाहर 4 है तो 4 को a स्क्वायर से गुणा किया तो 4 a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 को 2/3 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 8/3 b स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे इसके पहले पद को इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे फिर प्लस 3 बी स्क्वायर को इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे, तो चलिए 3/4 ए स्क्वायर 3/4 ए स्क्वायर को गुणा करते हैं 4 ए स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3 बी स्क्वायर है 3 बी स्क्वायर को गुणा करते हैं इस ब्रैकेट के साथ में 4 ए स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब गुणा वैसे करना है जैसे हमने बाकी प्रश्न में पीछे वाले में किया था, तो हम क्या करेंगे तीन संख्या को संख्या से करेंगे 3/4 को 4 से गुणा कर दीजिए, देखिए 3/4 को गुणा करेंगे 4 से तो 4 से 4 कट गया क्या रहेगा 3 रहेगा, तो यहां पर 3/4 को जब 4 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 3 आएगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुणा किया तो ए की घात 4 आ गया, उसके बाद माइनस ये लगा दिया 3/4 को यहां पर 8/3 से गुणा कर देते हैं, तो हमने क्या किया 3/4 को गुणा किया 8/3 के साथ में आ गया 8/3, 3 से 3 कट गया 4 का भाग 8 में चला गया 2, उत्तर कितना आया 2 आया, तो इसका आंसर क्या है 2 आया, चलिए यहां पर हम लिख देते हैं 2, और यहां पर b स्क्वायर है यहां पर a स्क्वायर गुणा करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर आएगा फिर प्लस, चलिए आगे हम गुणा करते हैं 4 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो ये होगा 4 3 12, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये बन गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 3 को 8/3 से गुणा करेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा पीछे 8 आएगा तो आंसर इसका 8 आया, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बी की घात 4, सभी को हमने गुणा कर लिया, अब एक जैसे पद देख लेते हैं ए की घात 4 वाला कोई पद है नहीं है इसमें तो हम क्या करेंगे 3 a की घात 4 ये लिखेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर ये भी है और a स्क्वायर b स्क्वायर का पद ये भी है तो इसमें एक जैसे पद है यानी a स्क्वायर b स्क्वायर का पद है लेकिन ये 12 a स्क्वायर b स्क्वायर है ये माइनस में 2 a स्क्वायर b स्क्वायर है,
तो दोनों को जब सरल करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो प्लस में 10 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और माइनस में बी बी की घात 4 जो है इसका कोई भी पद नहीं है तो एक ही है, तो 8 बी की घात 4 ये हम इसका आंसर लिखते हैं, तो ये लास्ट आंसर इसका ये होगा। तो हमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है प्रश्नावली 9.4 का, द्विपदों को इसमें गुणा करना है। मैंने आपके इसमें 6 प्रश्न जो दिए गए मैंने आपको कंप्लीट 6 प्रश्न बता दिए कि द्विपद को हम गुणा किस तरह से करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।